खराब हो गया अबे। हाँ कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। हाँ करोगे, ठीक करोगे, चलो कर लो, उसमें क्या, ट्राई कर लो। हाँ प्लीज, थैंक यू। वैसे चलने नहीं वाला है, बिल्कुल खराब हो गया है। हमसे नहीं हो रहा, तुमसे कहाँ से हो जाएगा। ओहो, काफी इक्विप्ड हैं आप, जेबों में जो है आपके औजार। ओह माय गॉड, वेयर आई एम। ओह हे, इट्स ओके ओके। आया, हेलो 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 हेलो, एक मिनट बस। ये लीजिए, ये लीजिए आपका, ये अब वायरलेस ठीक हो गया। तंबू तैयार? हमारे यार कमाल है यार, टू गुड यार, टू गुड। अरे भाई आपका नाम आर कुमार भी है और आपने फ्रीक्वेंसी भी सही कर दी, क्या बात है, घने काम के आदमी हैं आप तो। हाँ हाँ, वो दरअसल क्या है ना मैडम कि बचपन से मैं रेडियो सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। तंबू तैयार है, इसीलिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच करने में मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ। तंबू तैयार जी। थैंक यू वेरी मच। वैसे वो हंटर वाली, हंटर वाली, हाँ ये हंटर वाली का शो होता है ना आपके सर्कस में। होता तो है तंबू तैयार है, होता तो है। हाँ तो भाई ये हंटर वाली का नाम सुन के पसीना क्यों आ गया इसी और भाई। पसीना कहाँ, पसीना पसीना नो पसीना, वो क्या है ना, वो आज बहुत गर्मी 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 बहुत है ना, तंबू तैयार है इसलिए। वेल आजकल तो पड़ रही है बहुत सर्दी इसदा, इसलिए मैंने पहनी है मोटी वर्दी इसदा। देखिए भाई एक काम करते हैं, हमने ये हंटर वाली के बारे में ना बहुत सुना है, तो एक काम करते हैं आज आपके ये सर्कस में हम हंटर वाली का शो देखकर ही जाएंगे। क्या बोलते हो चौटाला, कर ले आज शो देख ले जाकर। सर आइडिया इज वेरी गुड, लेकिन सर मन ने जरा हेडक्वार्टर में जो है एक सिग्नेचर करने जाना है, तो आई एम बिजी। आप लोग यू आर फ्री? ओके तो ठीक है, हम तो फ्री है हमेशा की तरह, हम जाके देख लेते हैं उसमें क्या है। हाँ हाँ सर, हम ही देख लेते ना, हम देखते ना सर। एक मिनट, आप लोगों को हंटर वाली का शो देखना है ना। हाँ तो मैं क्या कहता हूँ, आज रहने दीजिए, कल आइए, कल हंटर वाली का स्पेशल शो है, तंबू तैयार है, कल आ जाए। हाँ कल आइए, कल हंटर वाली का शो आकर देख ले। हाँ हाँ पक्का पक्का, 100% पक्का। चलिए ठीक है फिर, नाइस मीटिंग यू मिस्टर आर कुमार। That's right. Pleasure is mine. Thank you so much. Thank you. आप लोग आइएगा, लेकिन कल आइएगा। Thank you. तंबू तैयार है? मन्ने तो दिखे है कि हम किशनगढ़ रेडियो स्टेशन और आशुतोष गोपाल के काफी करीब हैं। इसका नाम आर कुमार है, रुपेश कुमार भी हो सके। इसे फ्रीक्वेंसी मैच करनी आवे, इसके सर्कस में हंटर वाली भी है। ईद तो आज रात इस सर्कस और सर्कस वालों पर नजर रखी जाएगी। चल गोपी चौकी में मिलते हैं, सी यू। वेल आई एम ओके। तुझे पता है गोपी, जानवरों के साथ ना मेरा एक कनेक्शन है। अरे मतलब जानवर मुझे देखते हैं ना तो एक मतलब एक हमारा एक रिलेशनशिप सा हो जाता है। हाँ मतलब वो मुझसे बातें करते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, बचपन से जानवरों के साथ बहुत जमती है मेरी। तू मतलब मुझे एक छोटे शहर का तू टार्जन समझ ले बस। वेल तुम उनके साथ यार फ्रेंडशिप कैसे करते हो, हाउ? बताता हूँ ना, देख जानवर कोई आया ना तेरे सामने, तू बस सबसे पहले उसके लिए सीटी बजा, बस सेम वैसे ही सीटी बजा, फिर तू देख उनको कैसा एक कंफर्टेबल सा लगता है, फिर उसके बाद तू ये करिए, सी करेक्ट, बस फिर तू देख कैसा मतलब एक एक दोस्ती सी हो जाती है यार। लेकिन यार सर्कस लगी हुई है, जानवर बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे। तो रात है ना गोपी, जानवर है यार वो भी सोएंगे ना, जानवर सोते हैं, तू सोता है ना? सो रहे हैं यार, ये कोई टाइम है जागने का? Thank you.
एक एक जानवर है कहाँ यार, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? राजू सॉरी, दरअसल ये जो गोरिल्ला है ना सर, ये इंसानों से ना डर जाता है, इसलिए ये डरा हुआ है। ये डरा हुआ है? ये हम तो, हमें लगा कि हम डरे हुए हैं। नहीं नहीं सर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही डरपोक है। छोड़ दे राजू, चल खाना, चल राजू। तो तू है हंटर वाली, हंटर वाली आर कुमार। चल चल चल, मॉर्निंग हो गई है, बोलो हरी ओम इज़दा, उठो आगे है हमारी मोम इज़दा। गुड मॉर्निंग मैडम, तंबू तैयार है। तंबू खड़ जाएगा और लगा दूंगी सुसरे में आग तंबू में मैं। कल तो जो है अरेस्ट करा था सिर्फ, अब करूंगी सुताई। इसलिए कह रहे हैं कि इसी में तुम्हारी भलाई के मैडम जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा फटाफट सामने से जवाब दे दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग के भटूरे छोले के साथ सर्व हो गए ना तो हमारी मैडम एक नंबर की तपते रेगिस्तान में सुलगती लेडी बिच्छू, मेरा मतलब है उफनते सोनामी की भटकती लेडी शार्क, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली क्या है? आर कुमार है? खूब लाली पाउडर लगा के ब्लोंड बन के है? अपना तंबू छोड़ के काय को ये हंटर वाली के गेटअप में कहाँ डोल रहा था तू? जी कहीं डोल नहीं रहा था मैडम, तंबू तैयार है। दरअसल मैं अपने तंबू से सर्कस के तंबू में, जहाँ सर्कस होता वहाँ जा रहा था। तंबू तैयार है मैडम। अबे तुम चाहते हो हम तुम्हें बिलीव करें हैं? के सर्कस के मैनेजर होकर तुम ये लिपस्टिक लगाकर, ये हंटर वाली का गेटअप पहनकर, ये ब्लॉन्ड हेयर पहनकर तुम सर्कस देखने जा रहे थे, करेक्ट हैं? जी सर्कस देखने नहीं, बल्कि मैं हंटर वाली के कपड़े पहनकर हंटर वाली की जगह परफॉर्म करने जा रहा था। तंबू तैयार है। क्यों, हंटर वाली की नानी मर गई जो तू कर मरा परफॉर्म? जी हाँ मैडम, बिल्कुल सही पकड़ा, यही हुआ मैडम। हंटर वाली की 120 साल की नानी मर गई मैडम, और वो इतनी उदास हो गई, सैड हो गई मैडम कि उस डिप्रेशन में वो परफॉर्म कर नहीं पा रही थी मैडम। इसलिए मैं, मतलब मैंने वैसे भी सोचा कि कपूर साहब की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ, तंबू तैयार है। Well, who is the कपूर is the लप्पी है मेरे लिए, who is the और तू लंगूर is the carry on। हाँ कौन है यार ये कपूर? अरे आप लोग कपूर साहब को नहीं जानते? कपूर साहब, अरे वो कह गए कि शो मस्ट गो ऑन। ओ मैडम, ये तो उन कपूर साहब की बात कर रहे हैं जी, राज कपूर जी, जिन्होंने मेरा नाम जोकर में कहा था जी, द शो मस्ट गो ऑन जी। है जी, हाँ वही वही, इसीलिए मैं मैडम हंटर वाली के कपड़े पहनकर हंटर वाली बन के उसकी जगह परफॉर्म करने जा रहा था। तंबू तैयार है। अच्छा तो इस बात का सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत सबूत सबूत, मैं हूँ सबूत, सदा सदा। तू कौन है?
अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप भूल गई इसका पोस्टर तो हम सबने साथ में देखा था यही तो है वो हंटर वाली थारे से पूछी है मैंने थारे से पूछी है घुस रहा है बीच में कतैया मिमिक्री आर्टिस्ट हो रहा है अबे नहीं पसंद है नौकरी छोड़ ले जाके ज्वाइन कर ले एक जो है टोली नौटंकी वालों की सॉरी तू बोल ओके हाय हेलो एवरीबॉडी मैं हूँ रीटा सारी दुनिया जिसे हंटर वाली के नाम से जानती है मैडम ये मैनेजर ठीक कह रहा है मैडम मेरी नानी मेरी प्यारी नानी मेरी 120 साल की नानी इस दुनिया से अचानक टें बोल गई मैडम अपनी प्यारी नानी की दुनिया से जाने के गम की सुई मेरे दिल में चुभ गई मैडम मेरी दिमाग की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं परफॉर्म कर सकूं इसलिए मैडम ये मैनेजर मेरी जगह परफॉर्म करने गया था हंटर वाली का गेटअप लेके अच्छा इसलिए जो है थारी तरह के कपड़े भी सिलवा रखे इन्होंने अपनी नाप में अरे मेरे जैसी क्या मैडम हमारे सर्कस में काम करने वाले हर एक की जैसी ड्रेस सिलवा रखी है इस मैनेजर ने जी जी हाँ मैडम दरअसल बात यह है मैडम कि कभी कोई बीमार हो जाता है या फिर हमारा सर्कस छोड़ के भाग जाता है या फिर इस तरह की पोजीशन में सिचुएशन में आ जाता है मैडम तो फिर मैडम मैं उसी के कपड़े पहनकर उसकी जगह परफॉर्म कर लेता हूँ तंबू तैयार है अरे मैडम मैंने तो कई बार जानवरों की खाल पहन के उनकी जगह भी परफॉर्म किया है तंबू तैयार है हाँ मैडम मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैनेजर बेकसूर है इसे छोड़ दीजिए ठीक है रुपेश कुमार तुम जो है एक मिनट मैडम रुपेश कुमार नहीं रमेश कुमार रमेश जी रमेश आर कुमार मतलब आर से रमेश कुमार तंबू तैयार है थारा नाम रुपेश कुमार नहीं है ना बचपन से रमेश ही है अच्छा चलो ठीक है तुम लोग निकलो जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो तुम लोग ना हो थैंक यू सो मच मैडम हम आपकी चौकी आए आप कभी सर्कस देखने आइएगा अरे बाप रे अरे बाप रे ए छटक मिस चौटाला क्या आप सही से कह सकती है बेगुना है हमने कल देखा उसको चेंज वेंज करते हुए ना ये वो नहीं वो तो घना सातिर है अरे वो के नाम है यार चैंटू वो कहाँ है उसको बुलवाया था बुलाया तो था मैडम आ गया मैडम आ गया रेडियो के इतिहास में मैडम जी बताइए हमारे लायक क्या सेवा है पहली सेवा तो यो है कि ये जो टोपी है ना गेट रीड ऑफ दिस ये 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 सेकंडली यहाँ चौकी में वो फ्रीक्वेंसी सेट कर ठीक है वो किशनगढ़ वाली ठीक है और तू बॉलीवुड का जो कीड़ा है ना उसको निकाल अपने में से दवाई खा के और मिमिक्री दूसरों की नहीं वो स्टेशन सुन आशुतोष की आवाज को सुन और वो आवाज कॉपी कर मेन प्लान के है सुनो करता रहे गोपी करता रहे फ्रीक्वेंसी को बदलता रहे एक बार बस एक बार वो आशुतोष गोपाल मिल जाए तो उसकी आवाज को फिर रिकॉर्ड करके फिर तू देख मैं सेम टू सेम आवाज निकालता हूँ सेम टू सेम नमस्कार ये किशनगढ़ केंद्र है और मैं आशुतोष गोपाल आपका स्वागत करता हूँ
गुलगुले रेडी हो जा बेटा। राजू चलो खाने का टाइम हो। राजू नमस्कार, ये किशनगढ़ केंद्र है और मैं हूँ आशुतोष गोपाल। आज मैं आप सबसे माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि आज से किशनगढ़ रेडियो स्टेशन बंद हो रहा है। अब कोई हंटर वाली लड़की नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है, और भविष्य में फिर कोई किशनगढ़ रेडियो स्टेशन आपको सुनाई दे तो उस पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि किशनगढ़ रेडियो स्टेशन आप आज आखिरी बार सुन रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे रेडियो स्टेशन का सारा सामान तो यहीं पर है, तो फिर ये मेरी आवाज में कौन बोल रहा है? आसमान फाड़ दूंगा। मैं बताती हूँ। तुम? हाँ, मैं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, और यो सारा जाल तेने फंसाने के लिए हमने बिछाया है, और यो आवाज जो इस तुंतुने में से आ रही है ना, यो हमारे हवलदार गुलगुले की है, और ये किशनगढ़ रेडियो कभी ऑन नहीं होगा। रुपेश कुमार बोल, क्यों करा तैने ये सब? हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी के टैलेंट की रेडियो ने कोई कदर नहीं की। तब मैंने ठान लिया कि मैं लोगों के दिलों में रेडियो के नाम से ही नफरत पैदा करवा दूंगा। इसीलिए मैं हंटर वाली बनके लोगों को मारता था, उन्हें पीटता था। आसमान फाड़ दूंगा। तू टैलेंटेड है, यो बात सही है, लेकिन जब आदमी अपने टैलेंट का इस्तेमाल गलत दिशा में करता है ना, तो उसके लिए एक ही दिशा बचती है, और वो है क्यों राजू, एम आई राइट?